नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए यह खबर एक सबक है। जो वाहन चालक अक्सर बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते नजर आते हैं, उन्हें अब खासकर अलर्ट होने की जरूरत है। राजधानी भोपाल के एक वाहन चालक पर कोर्ट ने हेलमेट न पहनने पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। राजधानी के इतिहास में यह संभवतः पहला मौका है जब किसी शख्स पर ट्रैफिक रूल्स का पालन न करने पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया हो। भोपाल में रहने वाले अशोक पचौरी अपने दो पहिया वाहन MP04 MC 7070 बिना हेलमेट पहने चलाते थे। शहर के चौराहों पर लगे पुलिस के सीसीटीवी कैमरों में वह कई मर्तबा बिना हेलमेट लगाए स्कूटर चलाते कैद हुए। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर ट्रैफिक पुलिस का ध्यान उन पर चला गया, वो नोटिस में आ गए। ट्रैफिक पुलिस ने उनका नाम पता खंगाला और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के पते पर ई चालान भेज दिए, लेकिन अशोक पचौरी नोटिस को भी नजरअंदाज करते रहे, उन्होंने कभी जुर्माना नहीं भरा। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जनसभा और कार्यक्रमों का दौर जारी है। इसके तहत ही रायसेन जिले में सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की कद्दावर नेत्री उमा भारती की सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में लोगों ने बीजेपी सरकार पर ही निशाना साधा है। दल बदलुओं के दम पर फिर से एमपी की सत्ता में आई बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती की सभा में बंद करो मतदान बिक जाते हैं श्रीमान के नारे लगे। इन नारों का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से दल बदल कर बीजेपी का दामन थामने वाले डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को उपचुनाव लड़ना है। बीते मंगलवार की देर शाम हुई सभा में चौधरी के खिलाफ एंटी हॉर्स ट्रेडिंग फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इन कार्यकर्ताओं ने बंद करो मतदान बिक जाते हैं श्रीमान के नारे लगाए। इस नारे को लगाने वाले 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और देर रात को छोड़ दिया। सीए और एनआरसी को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपी उमर खालिद को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का साथ मिला है। दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद के पक्ष में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने स्टैंड विद उमर खालिद कैंपेन का समर्थन किया है। साथ ही उमर खालिद को उन्होंने गांधीवादी विचारधारा का भी बताया है। बता दें कि उमर खालिद को पिछले सप्ताह ही दिल्ली हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। रीवा जिले के छंदही गांव का अनिल साकेत 2015 से लापता था। 2019 में उसके पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद होने की खबर आई थी। अब पाकिस्तान से उसके रिहा होने की जानकारी मिली है। खबर को सुनते ही परिवार बेचैन है कि बेटा कितनी जल्दी घर पहुंचे। अनिल साकेत 3 जनवरी 2015 को अचानक घर से लापता हो गया था। काफी तलाशने के बाद परिवार ने 10 जनवरी को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पाया था। अनिल साकेत 3 जनवरी 2015 को अचानक घर से लापता हो गया था। काफी तलाशने के बाद परिवार ने 10 जनवरी को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पाया था। ग्वालियर में उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने कमलनाथ पर पोस्टर के जरिए वार किया है। बीजेपी ने कमलनाथ के विरोध में शहर में पोस्टर लगाए हैं। बीजेपी ने 2 अलग अलग पोस्टर लगाए हैं। एक में कमलनाथ की तत्कालीन सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है पूछता है ग्वालियर, जबकि दूसरे में लिखा है झूठ बोले कौवा काटे अभियान। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक ब्यावरा से विधायक गोवर्धन दांगी के बहाने कमलनाथ सरकार को घेरा है। गोवर्धन दांगी को पहले ग्वालियर के जया रोग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इस अस्पताल में बाईपास सर्जरी के लिए बजट नहीं, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बीजेपी ने इसी को हथियार बनाते हुए कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार में रहते हुए जया रोग अस्पताल में बाईपास सर्जरी के बजट क्यों नहीं दिया गया। पोस्टर में लिखा है पूछता है ग्वालियर हॉस्पिटल को बाईपास सर्जरी का बजट क्यों नहीं दिया कमलनाथ। प्रदेश के नीमच जिले में सत्तू घोटाले का मामला सामने आया है। अधिकारी केवल कागजों पर ही क्विंटल सत्तू का वितरण दिखा रहे हैं, जबकि आंगनवाड़ियों में सिर्फ कुछ किलो भर सत्तू ही पहुंच रहा है। ये मामला जिले के मनासा ब्लॉक का है, जहां आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को बांटे जाने वाले पोषण आहार सत्तू के नाम पर मजाक किया जा रहा है। दरअसल मनासा ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने SDM कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले का खुलासा किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के खाने के लिए जो सत्तू वितरित किया गया है, उसमें सुपरवाइजर व CDPO द्वारा बड़ा घपला किया गया है। उनका कहना है कि जांच करने पर पूरे मामले का भंडाफोड़ हो जाएगा। राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। यहाँ पर हर रोज कोरोना के 200 से 250 नए केस मिल रहे हैं। बुधवार को भी यहाँ पर 245 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में सरकार कोविड नियंत्रण के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इसमें इंटर्न, मेडिकल स्टूडेंट, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, आयुष डॉक्टर और नर्सिंग स्टूडेंट्स को शामिल किया गया है। इसमें कोरोना की रोकथाम और मरीजों के मन से भय को कैसे दूर किया जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही जागरूकता के लिए नए नए तरीके अपनाने पर भी जोर दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मंगलवार को बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की 3 घटनाओं में कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। इन मृतकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य भी शामिल है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दमोह जिले के पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है। ये घटनाएं जिले के 3 अलग अलग गाँवों में हुई है। मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ियों में बच्चों को पौष्टिक आहार के तौर पर अंडे दिए जाने पर मचे बवाल को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामने आए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कुपोषण को खत्म करने के लिए आंगनवाड़ियों में बच्चों को अंडे नहीं बल्कि दूध बांटा जाएगा। मध्य प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी की ओर से प्रदेश की आंगनवाड़ियों में बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में अंडे दिए जाने की वकालत की गई थी, जिसके बाद प्रदेश में बवाल मच गया था। चौहान ने कहा कि कुपोषण दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा नहीं बल्कि दूध बांटा जाएगा और इसकी शुरुआत 17 सितंबर को होगी। गर्भवती पत्नी को डीएलएड की परीक्षा दिलाने झारखंड के गोड्डा से ग्वालियर तक स्कूटी चलाकर आए धनंजय ने बुधवार सुबह झारखंड के लिए उड़ान भर ली है। अपनी 6 माह की गर्भवती पत्नी सोनी एब्रम को डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा दिलाने 1176 किलोमीटर से अधिक स्कूटी धनंजय ने चलाई थी। दंपति ने बुधवार को ग्वालियर के राजमाता विजयराजे एयर टर्मिनल से सुबह 8:45 पर विमान में उड़ान भरी। स्पाइस जेट की फ्लाइट से धनंजय व सोनी हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं। वहां से इंडिगो की फ्लाइट से रांची पहुंचेंगे, फिर गोड्डा तक पहुंचने के लिए टैक्सी का उपयोग करेंगे। भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, गंभीर मरीज भी बढ़ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमीदिया अस्पताल में 400 बिस्तर की हाई डिपेंडेंसी यूनिट 15 अक्टूबर तक शुरू की जानी है। इसके अलावा 50 बिस्तर का अतिरिक्त आईसीयू सोमवार से शुरू किया जाना है। ये सुविधाएं शुरू करने के लिए अस्पताल में डॉक्टर व नर्स पर्याप्त नहीं है, लिहाजा गांधी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन 159 डॉक्टर, 192 नर्स व 4 अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति करने जा रहा है। संविदा आधार पर 3 महीने के लिए यह भर्ती की जाएगी। इंदौर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को जांचे गए 2741 संदिग्ध मरीजों के सैंपल में से 393 मरीज पॉजिटिव आए हैं। एक ही दिन में अब तक के मिले मरीजों में यह संख्या सबसे अधिक है। 6 मरीजों की मौत की पुष्टि के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 473 तक पहुंच चुकी है। बुलेटिन के अनुसार अब तक 255495 संदिग्ध मरीजों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 17940 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। अस्पतालों से 12068 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 5399 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मंगलवार को 856 नए सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं। थोक दवा बाजार न्यू मार्केट और 10 नंबर मार्केट के बाद अब पुराने शहर का थोक किराना बाजार भी जल्दी बंद होगा। मंगलवार को भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बैठक की और जनकपुरी, जुमेराती व हनुमानगंज की थोक दुकानें शाम को 7 बजे बंद करने का निर्णय लिया है। भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यापारियों ने निर्णय लिया है। बुधवार शाम से व्यापारी अपनी दुकानें बंद करेंगे, वहीं रविवार को साप्ताहिक अवकाश के चलते पूरे दिन यह बाजार बंद रहेगा। एमवाई अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखे रखे कंकाल बने शव ने शासन के दावों की पोल खोल दी है। एक तरफ तो शासन शहर में कोरोना की वजह से बड़ी संख्या में मौतों से इनकार कर रहा है, दूसरी तरफ एमवाईएच प्रबंधन स्वीकार कर रहा है कि एमटीएच और अन्य शासकीय अस्पतालों से बड़ी संख्या में शव आने से पोस्टमार्टम कक्ष में जगह नहीं है। पीएम कक्ष के 16 बॉडी फ्रीजर भी पैक चल रहे हैं। एमवाईएच के पोस्टमार्टम कक्ष में शवों की दुर्गति कोई नई बात नहीं है। करीब 15 साल पहले भी यहां से एक साथ 4 अज्ञात शव ऐसी शत विशत हालत में बरामद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पौत्र अभिनेता अरुणोदय सिंह की कनाडियन पत्नी ली एल्टन की अपील पर भोपाल फैमिली कोर्ट का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मामला एक तरफा तलाक के फैसले को चुनौती से संबंधित है। प्रशासनिक न्यायाधीश संजय यादव व जस्टिस बी के श्रीवास्तव की युगलपीठ ने अरुणोदय सिंह को पूर्व में जारी नोटिस का जवाब पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में केंद्र का आदर्श किरायेदारी अधिनियम 2020 अगले 2 महीने में लागू होने के आसार हैं। पहली बार मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच लिखित अनुबंध के साथ ही किराया तय होने से लेकर हर बड़ी से छोटी जिम्मेदारी तक तय होगी। ये भी साफ रहेगा कि मकान या फ्लैट की पुताई कौन करवाएगा, तो नल की टोटी से लेकर वॉश बेसिन और पंखे या खराब स्विच कौन बदलवाएगा। नगर निगम के अगले चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार 17 सितंबर को होगा। कांग्रेस की याचिका पर हाईकोर्ट ने वार्ड परिसीमन के संबंध में निर्णय लेने को कहा है। जिला प्रशासन बुधवार को आदेश जारी करेगा, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि पूर्व में दिए गए इसी आवेदन पर राज्य सरकार परिसीमन नहीं कराने का निर्णय ले चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ईएमएसटीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट,
फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।